बुर्ज जद्दी। आप बहुत आसान और बहादुर हैं। आपको नई चीजें आजमाना पसंद है और आप हमेशा चैलेंजों के लिए तैयार रहते हैं। आपका ये जाने वाला रवैया यकीनी तौर पर आपको ऊपर ले जाने वाला है। पुरजोश बने, खुश रहें और इस जज्बे को बरकरार रखें। अदालती मामलात में होशियार और होशियार रहें। अखराजात और बजट का हिसाब रखें। करीबी लोगों की रजामंदी से काम करें। लेन देन में एहतियात बरतें। ताल्लुकात मजबूत होंगे। मंसूबों में तेजी आएगी। मुआहदे के मुआहदों में वजाहत होगी। आप मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। आप इंतजाम की तरफ माइल होंगे। दिखावे से गुरेज करें। जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। माली मामलात, आपको यहां और वहां मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह आपके गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं। याद रखें कि अब स्मार्ट फैसले करने और मुस्तकिल सरमायाकारी करने का वक्त है। आप माली बोझ के बगैर एक महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल चाहते हैं और इसीलिए आपको अभी से इस पर अमल करने की जरूरत है। काट कर वापस काट दो थोड़ा सा। अब बाद में इसके लिए अपने आप का शुक्रिया अदा करेंगे। तैयारी के साथ कोशिश में इजाफा करें। काम में तौसी की गुंजाइश है। पेशा वराना ताल्लुकात मजबूत होंगे। अपने खानदान के अफराद को करीब रखें। पेशावर अफराद को फायदा होगा। घरेलू और खानदानी मामलात, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आप अपने प्यारे को कोई कीमती तोहफा दे सकते हैं। जज्बात का एहतराम किया जाएगा। दोस्तों पर भरोसा रखें। कुंबा के मेंबरों के साथ मामलात हमवार रहे हैं और अगर उनके पास नहीं है तो उसे हल करने का वक्त है। गुजरे हुए को गुजरे रहने दो। अपनी पसंदीदा सरगर्मियों पर मियारी वक्त और बॉन्ड गुजारें। ये सब के लिए ताजगी और पुरसुकून होगा और बाकायदगी से थकन को कम कर देगा। करियर, मुलाजमत और कारोबार, आज आपको कितना अच्छा लगता है? अगर आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद को ऐसा महसूस करने के लिए तैयार करना चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है और लोग आखिरकार आपकी कोशिशों को देख रहे हैं और उनका एतराफ कर रहे हैं। ये आपका चमकने और उसकी तारीफ करने का वक्त है। बस मेहनत जारी रखें और आप मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। ये आपका चमकने और उसकी तारीफ करने का वक्त है। बस मेहनत करते रहें और आप इस कभी ना कहीं के रवैये की वजह से मजीद कामयाबी हासिल करेंगे। सेहत और तंदुरुस्ती, आप लफ्जी तौर पर चमक रहे हैं। आप खुश हैं और चीजों को हल्के से ले रहे हैं। ये आपकी दिमागी सेहत के लिए अच्छा कर रहा है। अपने हल्की फुल्की वर्जिशों पर भी तवज्जो देना शुरू कर दी है और ये एक अच्छी अलामत है। एक सेहतमंद दिमाग और जिस्म वो है जिसकी आपको हमेशा तलाश करनी चाहिए। मौसमी बीमारियों को ज्यादा संजीदगी से ना ले। थोड़ा सा गर्म दूध और भाप उसका बेशतर हिस्सा हल कर सकती है। शख्सियत में बेहतरी आएगी। खाने की आदत का ख्याल रखें। सेहत की अलामत को नज़रअंदाज करने से गुरेज करें। आसानी से काम करें। मोहब्बत और कराबत, आप वाकई अपने करीब किसी के साथ अच्छा माहौल महसूस कर सकते हैं। ये इम्कान हो सकता है कि आप किसी के करीब महसूस करें। रिश्ते में शामिल लोग आज रात अच्छी शाम का तजर्बा कर सकते हैं। आप इस बारे में दो जहनों में होंगे कि किसी ऐसे शख्स तक कैसे पहुंची जिसका आप वाकई दिलदादा है। अगर कोई मुश्तरका ताल्लुक है जो सालिस बन सकता है तो वो रास्ता इख्तियार करें और उनके जरिए अपना पैगाम पहुंचा दें। तहम्मुल से काम लें और बेहिस होकर उसे खराब ना करें। वो लोग जो पुरज़्म हैं वो आइंदा खानदानी तकरीब की मंसूबाबंदी में मसरूफ होंगे। अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल में आसानी पैदा करने के लिए सदका करें और हुस्के तो भूखे लोगों को खाना अतिया करें। लकी नंबर 6। लकी रंग गहरा नीला। आज के दिन दोस्ती और रिश्ता इज़दवाज के लिए मौजू अफराद। बुर्ज कोस, बाकी तमाम बुर्ज के लोगों से एहतियात बरतें। आज के दिन मुलाजमत और कारोबार के लिए मौजू अफराद। बुर्ज जद्दी, बाकी तमाम बुर्ज के लोगों से एहतियात बरतें।